शेखरू, आज किसी की पोल नहीं खोली है क्या? अरे देखते नहीं बंदरू, मैं आज अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। शेखू, पोल खोलते खोलते फिटनेस पर ध्यान, वो क्यों? वो इसलिए बंदरू के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल फिटनेस क्रेजी हो गए हैं और लोगों को फिटनेस के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। क्या पता कल मुझे ही नॉमिनेट कर दें, इसलिए मैं अभी से इसकी तैयारी कर रहा हूं। आप लोगों को याद होगा कि क्रिकेटर विराट कोहली ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिटनेस चैलेंज दिया था। अब मोदी जी को कोई चैलेंज कर दे तो वो तो उसे ऐसे ही नहीं जाने देते, वो तो बाकायदा चैलेंज को स्वीकार करते, ये उनकी खूबी है। इसलिए मोदी जी ने अपना फिटनेस वीडियो वही जारी कर दिया। सच में? अरे हाँ बंदरू, इस वीडियो में उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे 5 तत्वों पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि के मेलजोल से वो अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं। बड़ा जबरदस्त वीडियो है कसम से। देखो देखो बंदरू। अब मोदी जी ने वीडियो जारी किया तो किया, साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी को फिटनेस के लिए नॉमिनेट भी कर दिया, साथ टेबल टेनिस की खिलाड़ी मोनिका बत्रा को भी। लगे हाथ 40 के उम्र के पार आईपीएस अफसरों को कहा कि दिखाओ अपनी अपनी फिटनेस। रुको रुको, पहले ये बताओ कि कुमार स्वामी जी इस बारे में कुछ बोले क्या? बोले बोले, बहुत जोरों से बोले। उन्होंने पहले तो शुक्रिया किया और कहा वो अपने राज्य की फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देंगे। यानी मोदी जी ने अपनी तरफ से गुगली फेंकी थी लेकिन कुमार स्वामी ने बल्ला लगाया ही नहीं। कुल मिलाकर मोदी जी कुमार स्वामी को आउट नहीं कर पाए। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को नॉमिनेट किया होता तो क्या होता? मुझे तो लगता है कि केजरीवाल ने अनशन करने का चैलेंज दे दिया होता। हाँ, वैसे तो 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं, उन्हें भी मैं समझता हूं कि स्ट्रेचिंग की सख्त जरूरत है। खैर, मैं तो अभी से लग गया हूं, आप भी देखें कि मैं कितना फिट हूं। वैसे मैं 1000 दंड बैठक और 1000 पुशअप रोज करता हूं। और हां, मैं भी कल से पानी में उतरूंगा और पत्थर पर पैर टिकाकर एक्सरसाइज करूंगा मोदी जी की तरह। और हाँ, पोल तो खोलता ही रहूंगा, खैर वो तो मेरा साइड बिजनेस है। तू ऐसा कर, तू पेड़ पे लटक लटक कर पुशअप कर और केले खा, चल जा भाग। खोल खोल, ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।